दोस्तों मान के चलो कि आपके घर पे कुछ ऐसी चीज आ रही है, आपको ऐसा लगता हो कि जैसे कि हम पहले छोटे थे तो हमारे घर पे से टीवी फ्रिज कुछ भी ऐसा समथिंग कुछ घर पे आता था तो बड़ी खुशी होती थी ना, बट अगर आपको पता चले कि आपकी बाइक आ चुकी है तो जब आपको कैसा लगेगा दोस्तों, क्योंकि जब शोरूम से कि आप फोन आया हमारे पास कि आप अपनी बाइक देख जाइए तो मतलब मेरा बचपन याद आ गया यार। तो हम बड़ी खुशी होते थे यार कि पापा हमारी साइकिल लेने जा रहे हैं तो साइकिल देखने चलते हैं, तो वही फील अभी भी आती है। बचपना भी गया नहीं है, हम लुंगड़ पड़े हो गए पर अभी बचपन ही गया है। तो फाइनली मैं विकास कुमार, विकास मोटो व्लॉगर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली हमारी जो रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 450 बाइक है वो हमारी आ चुकी है, तो दोस्तों आज उसकी डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, पूरी बड़ी जोर देखना मेरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत दिन का इंतजार किया मैंने, ढाई महीने हो चुके थे यार, मुझे तो पता है कैसे कैसे मैंने एक दिन काटे यार, मैं बता नहीं सकता आपको। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे। ठीक है दोस्तों, फाइनली हमने जो रॉयल इनफील्ड की 450 हमने बुक की थी अपनी हिमालयन, तो उसको हम आज हम डिलीवरी लेने के लिए जा रहे हैं उसकी हम। तो मेरे भाई है, कुछ दोस्त भी आ रहे हैं मेरे टी, तो चलते हैं शोरूम पे, सीधा पहुंचते हैं फटाफट से। तो ये सब बैठे हैं पीछे मेरे, देखो ब्रो भी ब्रो ब्रो, दो महीने की वेटिंग के बाद तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं मोदीपुरम। शायद हम पहुंच चुके हैं और 5 मिनट बच जाएंगे। आओ भाई चले। आगे कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो में, खेलू ना भाई। ओ बाइक का सेलिब्रेशन होता हुआ थोड़ा स्लो मोशन में, कचब यार। अल्टीमेट जब मैं बाइक पे बैठा हूँ ना, मजा आ गया यार। ऐसी बाइक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, रॉयल इनफील्ड की हिमालयन, गजब है वाकई में यार, गजब। और मेरे फ्रेंड्स बड़े एंजॉय कर रहे थे सारे के सारे, कह रहे बाइक बड़ी मस्त लगी है भाई। भाई मुझे खुद ही बढ़िया लगी थी यार, इतनी फोटो में अजीब लग रही थी बट यार फाइनली जब आंखों से देखी है ना तो मैं बता नहीं सकता यार बाइक कैसी लगी है। मतलब उसका साउंड, उसका जो मीटर है ना आगे का, तो इतनी बड़ा टैंक यार, 17 लीटर का टैंक जो उन्होंने दिया है, बड़ा मस्त भाई। मेरा बेटा बड़ा खुश है, कह रहा पापा इतनी बढ़िया बाइक। और सभी फ्रेंड्स कह रहे थे बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया लगी बाइक। तो मेरे दो भाई थे और दोस्त थे मेरे तीन, तो हम टोटल 6-7 बंदे। तो शोरूम वाले कह रहे थे भाई क्या करके मानोगे, क्या करके मानोगे इतने सारे भाई हैं। वाह भाई क्या करें, सब कुछ मेरठ के थे, कुछ मेरे वहीं के थे, गाँव के थे। तो फाइनली बाइक की चाबी हमें मिलती हुई, तो धीरे धीरे सब ने ली बाइक की चाबी, ये देखो कित भाई ने भी और मेरा बेटा भी कह रहा मैं भी लूँगा चाबी, ये मेरे बेटे ने भी ले ली भाई। बस फाइनली अब सभी एक ग्रुप एक फ़ोटो खिंचाएंगे हम अभी, तो अपना चलते हैं बाहर की ओर निकलेंगे फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो खिंचाने के बाद। बड़ा मस्त लगा यार ऐसी बाइक को। तो अभी लैग गाड़ी इसमें लगानी है, कुछ एक्सेसरीज है वो मैं दिल्ली से लूँगा। चलो अभी देखते हैं, पहले बाहर की ओर निकलते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट की तो मज़ा आ गया था, मेरा बेटा पीछे बैठ लिया और अभी हम गेट से बाहर एंट्री लेंगे। तो ये भाई वीडियो बना रहा है, देखो अंकित भाई का गजब है यार, सबको पसंद आई है बाइक। ऐसा नहीं कि किसी को पसंद नहीं है, कि सबको पसंद आई है, टू जेड सबको पसंद आई है यार। मतलब ये नहीं कि कोई कमी काट दे। मैं जैसे कि मैं ऑफिस में भी ले गया था इसको बाद में, तो भाई मतलब सब इकट्ठा हो गए देखने के लिए बाइक को। मैं वो वीडियो डालता पर मैं वीडियो नहीं बना पाया वहाँ की बैंक की जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो कोई नहीं, अब मैंने जैसे बाहर निकाली और मुझे डर लगा कि रैम से मैं नीचे उतारा था गिर ना जाए। भाई इतनी भारी बाइक थी, बहुत ज़्यादा भारी। और जस्ट जब इसका जो मैंने वो बनाया क्या बोलते हैं तब, तो शोरूम से विदाई लेने के बाद पहुंच गए हम हाईवे पर बाइक लेकर। तो दोस्त गाड़ी से मेरी वीडियो बना रहे थे और ये बाइक है मेरी, कैमिट वाइट है, देखो क्या मज़ा लग रहा है यार, रोड में मस्त लग रही है यार चलते हुए।
गजब यार गजब, कितनी प्यारी है यार। अभी आगे दिखाता हूँ आपको मैं, आगे से भी गजब लग रही है ना। अब हम घर को जब वापस आ रहे हैं, मतलब एक अलग ही फील देता है जब आप हिमालयन चला रहे हो। मतलब इतना बैलेंस कितनी बढ़िया थी इसकी, मैं बता नहीं सकता आपको यार। मीन्स रोड पे हर एक कोई मीन्स पीछे मुड़ के देख रहा था कि कैसी बाइक है। मतलब जहाँ को मैं निकाल रहा था वहीं सब देख रहे थे कि भाई बाइक बड़ी खतरनाक है रे, सभी कह रहे थे। ये देखो मैं सबको हाई कर रहा हूँ गाड़ी में बैठे हुए को, मतलब मज़ा है यार। अभी इसका नंबर आने में शायद मुझे लग रहा है कि हाँ, एक मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने इसका जो नंबर BS नंबर लिया है भारत का, तो मेरा BS नंबर आ जाएगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कौन सा नंबर आया है। हम घर पर पहुँच चुके हैं, सिस्टर कर रही है इसका कहना सत्या बनाएगी, और जो भी होता है सूप के लिए करते हैं ना घर पे जब लाते हैं। फिर इसके बाद मैं मंदिर लेके जाऊँगा, प्रसाद पे भी चढ़ाऊँगा, प्रसाद चढ़ाऊँगा माता पे, और पंडित जी से कलावा या चुनरी जो भी होगी माता की वो बनवाऊँगा, पूजा जैसी करा लेंगे जरा सी छोटी मोटी, जैसे भी जो भी होता है हमारे इसमें। तो सिस्टर लगी पड़ी है भाई, सिस्टर कह रही वो इतनी बड़ी बाइक, ये बेटा देख कितना खुश हो रहा है। तो जो वीडियो शूट हो रही है GoPro से कर रहे हैं हम फिलहाल। ये कलावा बनवाया है, ये बाइक को मैं दिखा देता हूँ। देखो सोकर देखिए इसका सस्पेंशन आगे का, कुछ हल्का सा कह रहा है, आप लुक तो सब कुछ देख चुके होगी इसकी, बट ये जहाँ मैंने लाके खड़ी है मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको अभी। तो अभी बस अभी यहाँ से चलते हैं सीधा मंदिर की ओर। मंदिर क्या, पहले तो मम्मी आएगी, मम्मी देखेगी पहले, तो मम्मी आ गई भाई। तो मम्मी कह रही भाई इतनी बड़ी बाइक, सबकी आँख के पट्टे रह गई भाई। मम्मी कह रही इतनी बड़ी बाइक, ये लो पापा भी आ गए भाई। पापा से डर लगता था, पापा मना कर रहे थे लेने के लिए, बट पापा कह रहे हद है यार इतनी बड़ी बाइक। बुआजी भी आ गई, बुआजी ने भी सत्या बनाया, बुआजी ने भी शेवल की पूजा की इस गाड़ी की। पापा से डर लग रहा था, पापा कुछ ना बोले। तो बुआ कह रही से तो गाड़ी ले लेता, इतनी बड़ी गाड़ी ली तूने, मगर गाड़ी अपनी जगह और बाइक अपनी जगह है भाई, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता ना कि मैं क्या ले रहा हूँ। अब सब कह रहे गाड़ी ले लेता, इतनी महंगी तो गाड़ी आ जाती है। ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा बेटा, मेरा पृथ्वी। पापा जी आ गए अब। तो यहाँ पे सब फोटो खिंचा रहे हैं, अभी सब देख रहे हैं बाइक को यार, सबसे अलग यूनिक है ना बाइक। अगर बुआजी माला लेकर आई थी तो बुआजी ने माला ही डाल दी, दो माला लेकर आ गई थी, मम्मी सत्या बना रही है। तो ये नहीं कि बाइक अलग ही लुक है इसमें बिल्कुल ही, सबसे हटके। चलो मैं चलता हूँ फिलहाल, मंदिर में जा रहा हूँ मैं। एक्चुअली क्या कर रहा है GoPro, मैंने हेलमेट में मैंने माउंट तो कर लिया है, बट वो कर रहा है फ्लक्चुएट कर रहा है ना देखो मीटर में, तो इसके लिए भी शायद देखते हैं कुछ इस पर स्क्रीन कार्ड आता है। ये देखो भाई स्लो मोशन में डांस भाई का, भाई फुल्ली इंजॉय में भाई साहब, पता है ना शाम को पार्टी होनी है तो इसलिए घुसा भाई, पार्टी मांग रहा है। अब देखो मैं इसको क्या बोलूँ भाई। तो मंदिर में जाने से पहले मैंने रोकी प्रसाद के मिठाई की दुकान पे, तो मैंने प्रसाद लिया थोड़ा सा, वहाँ पे मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, पंडित जी को देना है, और जो भी करते हैं वो तो पूजा में चलनी चाहिए मीठा। यहाँ से प्रसाद लेके निकल पाते हैं सीधा मंदिर की ओर। ये हमारा माता मंदिर है, प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है यहाँ पर। यहीं पर मैं लेकर आया था, पंडित से मेरी बात हो गई थी, व्रत निकलवाया था मैंने, संडे का निकला था, बाइक आ चुकी थी मेरी वेनसडे या ट्यूजडे में आ चुकी थी बाइक, बट जो मैंने मुहूर्त निकलवाया था वो संडे का था। तो आगे हमारी माता जी का मंदिर काली माता, तो पंडित जी को बुलाते हैं फटाफट से और कराते हैं पूजा, जल्दी से फिर निकलते हैं हाईवे की ओर। हाईवे पे देखते हैं कैसी पकड़ती है रफ्तार। अच्छा बनाइए, अच्छा दोस्तों आते हैं दोबारा से वीडियो पे। मंदिर से निकलने के बाद कुछ मंचरे मिल जाते हैं मुझे रास्ते में, अब देखना कौन मिलता है, कहेंगे विकास टोडा बोलो। हाँ
विकास टोंडा का नहीं है, विकास मोटो व्लॉगर्स हो गया है मेरा। जी जी सर, जी विकास टोंडा व्लॉग्स। तो हाईवे पे जब हम चल रहे थे तो साउंड जो मैंने गोप्रो लगा रखा था, एक्चुअली वो माइक नहीं है ना मेरे पास, तो जो मेरी आवाज़ है वो आपको बिल्कुल साफ नहीं आ रही होगी। जो एयर ब्लास्ट हो रहा है ना आगे से, एयर हवा इतनी तेज आ रही है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फिर मैं अलग से ऑडियो डाल रहा हूँ उसमें। तो हाईवे पर बढ़िया फ्लक्चुएट तो करेगा ही, इसका कुछ नहीं कर सकते हम। ये देखो स्लो मोशन में लगा, ये सब बाइक को देखते हुए जा रहे हैं। देखो जैसे कि निकले हैं ना साइड में, को ये जो पीछे बैठा था ये बाइक को देख रहा था, ये दोनों ही देख रहे थे। इतनी बड़ी बाइक, सच में सभी देख रहे थे कि बाइक भाई बहुत बड़ी है। तो देखो अभी इसी बात है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और अभी मैंने फंक्शन इसके ज़्यादातर यूज़ नहीं किए, क्योंकि जब तक नंबर प्लेट नहीं आएगी मैं कुछ नहीं कर सकता। जब नंबर